नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल दुनिया सपनों की। और दोस्तों, सपनों के सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है, यदि कोई व्यक्ति सपने में फसल काटते हुए देखता है, वो फसल चाहे गेहूं, धान या फिर कोई अन्य, तो ये सपना उसके लिए कैसा माना जाता है, शुभ होता है या फिर अशुभ। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस सपने का आखिर क्या मतलब होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में फसल काटना कैसा माना जाता है, तो आइए दोस्तों जानते हैं इस सपने का आखिर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति सपने में फसल काटते हुए देखता है, खेत को काटते हुए देखता है, तो ये सपना एक अच्छा और शुभ सपना माना जाता है। ये सपना आर्थिक लाभ की ओर संकेत करता है, यानी कि आने वाले समय में आपको धन लाभ का, यानी कि आपको आने वाले समय में धन प्राप्त होने वाला है, आपके हाथों में पैसा आने वाला है, आपको आपके व्यवसाय में या फिर आप एक किसान हैं तो भी आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। ये सपना आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां खत्म होने का संकेत माना जाता है। वहीं पर यदि आप हरी फसल काटते हुए देखते हैं, पक्की नहीं है फसल, तो ये सपना किसी नुकसान की ओर संकेत करता है, आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है, तो ये एक अशुभ सपना माना जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।